सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआरके स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। दाब नाजरीन, मैं अबू जैफा और आप देख रहे हैं एचआरके स्टूडियो। हम यहाँ बात करेंगे इम्तियाज अली ताज के बारे में, उनके ड्रामा निगारी के बारे में। और ये टॉपिक आपको कहाँ पे काम आ सकता है, मैं ये बता देता हूँ कि आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये यूनिट नंबर 5 में उर्दू अफसाना और उर्दू दास्तान और ड्रामा निगारी के चैप्टर में आपको ये काम आएगा। इसके अलावा आप अगर तैयारी कर रहे हैं JNU, AMU, JMI और दीगर दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये काम आएगा। इसके अलावा आप सरकारी और गैर सरकारी दीगर चीज़ों में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपको ये के लिए फ़ायदेमंद आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्तियाज़ अली ताज। हमें पता है, आपको जानना ज़रूरी है कि ये एक ड्रामा निगार थे और इनका जो ड्रामा है अनारकली, उसकी वजह से ये बहुत मशहूर हुए। अनारकली 1922 में इन्होंने लिखा और 1932 में वो पहली मरतबा शाया होकर मंजरे आम पे आया। हम सारी चीज़ों को डिटेल में लेंगे। शुरुआत में इनकी पैदाइश 1900 में लाहौर में हुई और 1970 में इनका इंतकाल लाहौर में ही हो गया था। तहजीब निस्वा इनके वालिद मुमताज़ अली ये रिसाला निकाला करते थे। तहजीब निस्वा एक रिसाला था जो इनके वालिद मुमताज़ अली निकाला करते थे। उनके इंतकाल के बाद इम्तियाज़ अली ताज इसकी निगरानी करने लगे। यानी तहजीब निस्वा एक रिसाला है, उनके वालिद पहले इसके निकाला करते थे और बाद में इम्तियाज़ अली ताज ने उसकी निगरानी की। तो ये याद रखें, तहजीब निस्वा इम्तियाज़ अली ताज के हवाले से। हम इम्तियाज़ अली ताज को सिर्फ अनारकली के हवाले से ज़्यादा याद करते हैं। आज हम दिगर चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली के अलावा क्या क्या चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कहकशां 1918 में इम्तियाज़ अली ताज ने ये रिसाला जारी किया और इसमें प्रेमचंद के अफसाने भी शाये किए। कहकशां ये एक और रिसाला था जिसे इम्तियाज़ अली ताज ने ही जारी किया। ये पहले वाला तहजीब निस्वा तो इनके वालिद का था और बाद में इसकी सरपरस्ती इसकी निगरानी इन्होंने की, लेकिन कहकशां जो रिसाला था वो इम्तियाज़ अली ताज का खुद का रिसाला था। मजलिस तरक्की अदब 1958 में इसके डायरेक्टर मुंतखब हुए। इम्तियाज़ अली ताज मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर मुंतखब हुए। सितारे इम्तियाज़ 'हुकूमत पाकिस्तान का अहम एजाज़ जो ताज को अता किया गया था। तो सितारा इम्तियाज़ भी इन्हें मिला। इम्तियाज़ के ड्रामों में रेडियाई ड्रामे भी मौजूद हैं। इम्तियाज़ ने बहुत सारे ड्रामे लिखे, उनमें इनके रेडियाई ड्रामे भी मौजूद हैं। और रेडियाई ड्रामों में गूंगी जोरू, करतब का काजी, वर्जीनिया, खुशी, हरीमे कल्ब, सिर्फ कानों के लिए, शेख बिरादरान, अस्फहान के मुतशायर, उल्लू की ज़बान, सैद व सयाद, अमन व सुकून, कमरा नंबर 5, उनके अब्बा शामिल हैं। ये थे रेडियाई ड्रामे जो इम्तियाज़ अली ताज ने लिखे। इसके अलावा इन्होंने रिसाले वगैरह भी जारी किए जो कि मैंने ऊपर में बताया, रेडियाई ड्रामे लिखे। नसर के तौर पर भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हम जैसे कि अनारकली के हवाले से ही इन्हें जानते हैं, लेकिन यहाँ पर और चीज़ें दिखर गुफ्तगु करेंगे। इन मेन नसर के हवाले से इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, स्कूल की कहानी, अबुल हसन, बोनों की कहानी, बीरबल की कहानियाँ, ख़जानों की कहानियाँ, जिनों की कहानियाँ, तिलस्मात की कहानियाँ, इनके अलावा कंजूसों की कहानियाँ, समुद्री शहजादा, बच्चों की बहादुरी, परिस्तान, फूलबाग, फूलों की कलियाँ, चिड़ियाखाना, जादू का ब्रिज, झूठ मूठ का भूत, कुमक उर्दू, यहाँ पे अलिफ छूट गया, अलिफ मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, कुमक उर्दू, ये बाज़ जगह आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, मौत का राग, हैबतनाक अफसाने, चचा छक्कन, ये तो मशहूर है, ये आपको उर्दू की बहुत सारी किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस में ये शामिल होता है, चचा छक्कन, ये मशहूर है। और ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पता नहीं होती हैं,
कंजूसों की कहानियां, जैसा कि अगर ये कोई हमारे सामने है तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये अनारकली के मुसन्निफ इम्तियाज अली ताज से इसका ताल्लुक है। तो कुछ चीजें इनकी जानते हैं। उन्होंने शाहजहां और रोशन आरा भी लिखा है, ये ड्रामा लिखा है, मगर अनारकली ने इनको ड्रामों की दुनिया में उस्ताद का दर्जा दिया। इन्होंने रोशन आरा भी लिखा है, शाहजहां भी लिखा है, लेकिन अनारकली बहुत मशहूर हुआ। अनारकली के अहम किरदार हैं अकबर, सलीम, अनारकली, दिलाराम, जाफरान, अंबर, सुरैया। सुरैया अनारकली की छोटी बहन है। दिलाराम बहुत ही चालाक कनीज है, जो अनारकली से पहले सलीम की नूरे नजर थी। अब वो अनारकली से बहुत नफरत करती है। ऐसा है कि दिलाराम सबसे पहले अनारकली जो सलीम की नूरे नजर थी, बाद में उसकी जगह अनारकली ने ली थी, और यही वजह है कि ये दिलाराम उससे नफरत करती है और उसको नीचा दिखाने और उसको बदनाम करने की हर तरह की कोशिश करती है। ये पूरे ड्रामे में आपको ये दोनों किरदार हमेशा आपको बहुत ही मुतहरिक किरदार आपको जहाँ एक तरफ अकबर और सलीम मिलते हैं तो दूसरी तरफ अनारकली और दिलाराम का किरदार मिलता है। हिजाब इस्माइल अली, उनकी रफीक हयात जो बाद में हिजाब इम्तियाज अली कहलाने लगे। ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा गया, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, और 1932 में पहली मर्तबा शाया हुआ। इसका मुकदमा महमूद इलाही ने लिखा है, दीबाजा सैयद इम्तियाज अली ताज ने खुद लिखा है। ये ड्रामा तीन बाब पर है, इश्क, रक्स और मौत। इसके किरदार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहनशाह हिंद है, सलीम अकबर का बेटा और वलीअहद, बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त जो सलीम से हर तरह की राजो नियाज की बातें करता है, और उसके अलावा बहुत सारे मशवरे भी सलीम को बख्तियार देता है। और जो अकबर के हवाले से जब गुफ्तगू होती है, अकबर जब सलीम की बातें नहीं मानते और वो उससे बहुत खफा होता है, तो उस दौरान बख्तियार से ही इससे जब आप इस ड्रामे को पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें आपको मिलेगा कि कितना डिटेल गुफ्तगू यहाँ पे ड्रामा मुकालमा इन दोनों के दरमियान होता है, और बहुत सारी चीज़ों पे ये दोनों गुफ्तगू करते हैं। रानी, अकबर की राजपूत बीवी और सलीम की माँ। सलीम की माँ एक राजपूत भी थी और वो अकबर की बीवी थी। अनारकली, जिसका नाम नादिरा था, हरमसरा की अकबर की मंजूर नज़र कनीज थी। सुरैया अनारकली की छोटी बहन। दिल आराम अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नजर कनीज थी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, लिखा है कि सलीम की नूरे नजर थी, सलीम की नहीं, यहाँ अकबर की नूरे नजर थी, ये आप करेक्शन कर सकते हैं, ये गलत है। अकबर की नूरे नजर थी जिससे बाद में सलीम को इश्क हो जाता है। सुरैया अनारकली की छोटी बहन। जाफरान हरमसरा की एक शोख कनीज थी। सितारा ये भी हरमसरा की एक कनीज है और जाफरान की दोस्त हैं। मुर्दारिद हरमसरा की कनीज, दिल आराम की राजदार। अंबर दिल आराम की राजदार, ये भी दिल आराम की राजदार है। ख्वाजा सरा काफूर कनीजों का दरोगा है। और मकाम जो है इस ड्रामे का जो लिखा गया है, और ये जो ड्रामा चलता है और इसका जो मकाम है वो किले लाहौर है, और उसी की पूरी आपको इस ड्रामे में दिलकशी मंजर निगारी और इसकी जो इमारतें हैं उसका जिक्र यहाँ पे इस ड्रामे में आपको मिलता है। और ज़माना जो है इसका, ये 1599 का की बात है जब ये वाकया पेश आया, और जो ड्रामे में इसका जिक्र किया गया, ये मौसम बहार का है। तो ये सारी चीज़ें थी इम्तियाज़ अली ताज के हवाले से, जो चीज़ें अहम थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको ऐसा करना है कि अनारकली को आप अपने लेवल पे भी उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पूरी डिटेल में आपको उसको पूरी तरह से तरतीब और समझ पाएंगे, और इसमें जो सवाल किसी तरह से भी आ सकता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप तमाम तैयार रहें।
आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।